पुलवामा अटैक को होके अभी कुछ दिन हो गए, लेकिन मुझे ऑलरेडी ऐसा फील हो रहा है कि काफ़ी लोग इसके बारे में दिल से भूल गए, क्योंकि सोशल मीडिया पे अभी मुझे सिर्फ दो टाइप के पोस्ट दिखते हैं पुलवामा के बारे में, एक सिंपथी वाले पोस्ट एंड दूसरा मजाक उड़ाना, ब्लेटेंटली उनका मजाक उड़ाना, कुछ हद तक इंसल्ट भी बोल सकते हैं। मैं नहीं चाहती कि दिस इज़ अनदर नेशनल क्राइसिस जहाँ पे हम सब एक होकर आ तो जाए लेकिन कुछ ही दिन में वापस अपने अपने लाइफ में डिस्पोज हो जाए और इसके बारे में भूल जाए। इसलिए आज आई एम गोइंग टू शेयर हाउ आई फील अबाउट दिस। नाउ द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू मी इज़ रिसर्च एंड गेट योर फैक्ट्स राइट। पुलवामा अटैक के बारे में अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते वक्त मैंने मोस्टली ये दो पोस्ट ही देखे, बट कुछ अच्छे पोस्ट भी थे जहाँ पे फैक्ट्स बताते थे कि अच्छा ऐसे अटैक हुआ था, सुसाइड बॉम्बर का नाम ये था। लेकिन कुछ ही दिन में वो पोस्ट मुझे तो दिखना बंद हो गए। अभी मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन, एक पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट करने में आता है। तो मेरी आपसे क्या रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मीडिया आपको जो खिलाती है उसको रेडीमेड मत खा लो, डोंट टेक इट एज स्पून फीडिंग। आप दोनों साइड के न्यूज़पेपर पढ़ो, सारे फैक्ट्स इकट्ठा करो और फिर अपना ओपिनियन बनाओ। अगर आप न्यूज़ चैनल पे कोई रिपोर्ट देख रहे हो और अगर वो सिर्फ ऐसे ही बोल रहे हैं कि हमारे हिसाब से ये लोग गलत थे, मत मानो, पहले उसके पीछे का रीज़न ढूंढो कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वो रीज़न पता करने के बाद उसको वेरीफाई करो कि वो जो रीज़न दे रहे हैं वो एक्चुअली सच है कि नहीं, एंड फिर अपना ओपिनियन बनाओ कि क्या वो रीज़न आपको भी वही कंक्लूजन पे लाता है या आपका बिलीफ कुछ अलग है। क्योंकि जहाँ तक ओपिनियंस एक्सप्रेस हो रहे होने चाहिए, बिकॉज हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक है, जिसको जो बोलना है बोलने का हक है। सामने वाले के बारे में इंसल्ट करने के पहले सोचना कि अगर खुद के कंट्री या खुद के रिलीजन के बारे में ऐसा कोई बोले तो कैसा लगेगा। तो ओपिनियंस भी ऐसे स्टेट करो कि आप भी फैक्ट्स बता रहे हो कि मैंने ये पढ़ा, इसके बारे में रिसर्च किया और इस वजह से मुझे लगता है कि ये ऐसा है। प्लीज़ किसी को डायरेक्टली गाली मत दो, रीज़नेबली बात करते हैं तो हम कुछ चेंज ला पाएंगे। अगर हम वेग बातें करते रहेंगे, आसपास की बातें करते रहेंगे, कुछ होने ही नहीं वाला। तो स्पेसिफिक पॉइंट पे बात करते हैं कि मुझे लगता है कि ये गलत हुआ था, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग विच आई थिंक वी कैन डू। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डोनेशन टू द मार्टियर्स फैमिलीज। इमेजिन कि आपके फैमिली से अगर कोई चले जाए तो इमोशनली तुम ही ठीक हो पाओगे, बट एक्सटर्नली जो भी फिनेंशियल हेल्प हो सकती है इट वुड एक्चुअली बिकम वेरी वेरी हेल्पफुल। अगर एक रुपया भी डोनेट होगा ना चलेगा, पर प्लीज़ वो थोड़ा सा एफर्ट ले लो, आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने भी डायरेक्टली कुछ हेल्प की। इसी मैटर में वापस पॉइंट नंबर वन आता है, वेरीफाई करना, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने फेक पेजेस और फेक अकाउंट्स बना कर रखे हैं ऐसी सिचुएशन में भी खुद का फ़ायदा देखने के लिए। तो बिकॉज हम इतनी हद तक गिर चुके हैं, फैक्ट्स को वेरीफाई करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। प्लीज़ मेक श्योर कि आपका डोनेशन कोई अनडिजर्व पर्सन को नहीं जा रहा, प्रॉपरली करेक्ट ऑर्गेनाइजेशन को जा रहा है। देर इज़ वन मोर थिंग विच आई थिंक वी कैन डू, एंड दैट इज़ टू लर्न समथिंग स्पेसिफिक फ्रॉम द पीपल हु गेव द लाइफ फॉर अस। जिस दिन मैंने अटैक के बारे में सुना उसके पहले से ही मेरा मेंटल स्टेट एक्चुअली अच्छा नहीं था, पहले मेरा मेंटल स्टेट यहाँ से और गिर गया। बट देन हाउ इट हिट मी वॉज कि जब इन्होंने अपना लाइफ दिया ना, दे डिड नॉट हैव द लग्जरी ऑफ थिंकिंग कि मेरा मेंटल स्टेट के हिसाब से मुझे जंग लड़ने का मन कर रहा है या नहीं कर रहा है। इन दिस केस तो जंग भी नहीं हुई थी, लेकिन दे डोंट हैव दैट लग्जरी। तो मुझे वैसे अफेक्ट हुआ था कि उनके लाइफ में डिसिप्लिन है। मैंने एक छोटा हैबिट स्टार्ट किया है कि उठते से द फर्स्ट थिंग आई डू इज़ आई मेक माई बेड। बहुत छोटी चीज़ है पर मैं पहले ये नहीं करती थी, और धीरे धीरे आई एम ट्राइंग टू इंस्टिल दिस डिसिप्लिन इन माई सेल्फ जो आर्मी मैन में होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि और पढ़ सकते हैं कि आर्मी में कैसे रहना होता है, कैसी लाइफ होती है, और हम थोड़ा थोड़ा उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आई थिंक कि उनको खाना भी खुद से बनाना पड़ता है when there are extreme conditions, तो मुझे वो भी अप्लाई करना है कि आई शुड नॉट रिलाई सो मच ऑन ऑर्डरिंग फूड and somebody from my family making it for me. मुझे खुद का खाना regularly बनाना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ एक आधा मैंने कभी sandwich बना लिया, वैसे नहीं, regular proper nutritious meals. तो जिन्होंने जान दी, it will not be just for the primary purpose of our
डिफेंस एंड आवर कंट्रीज डिफेंस, पर हम एक्चुअली उनकी जो लाइफ उन्होंने सैक्रीफाइस की उसका कुछ वैल्यू निकालेंगे इवन आफ्टर द सैक्रीफाइस. दिस इज़ हाउ द पुलवामा अटैक अफेक्टेड मी एंड दिस इज़ हाउ आई फील कि हम इसको सस्टेन कर सकते. आई फील कि हम हमारे यूजुअल लाइफ को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं और जो एक्चुअली इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना उसको हम बोलते हैं नहीं नहीं इसके लिए टाइम नहीं है, ऑफिस है, काम है, पढ़ाई है. जो हमारी गवर्नमेंट रन कर रहे हैं वी नीड टू बी अकाउंटेबल फॉर दैट, फॉर वोटिंग फॉर देम. सिर्फ इलेक्शन के दिन जाके वोट करके नहीं आना है, हमको ट्रैक रखना है कि उन्होंने एक्चुअली कितना चेंज किया, कितना अफेक्ट किया, कितना ग्रोथ किया. जो सारा डोनेशन जा रहा है वो एक्चुअली पहुँचा कि नहीं, वो हमें ट्रैक रखना है. पुलवामा अटैक हो तो गया लेकिन उसको हमारी गवर्नमेंट ने कैसे रिप्लाई दिया वो हमें देखना ज़रूरी है. देन वी कैन डिसाइड कि जो लीडर्स को हम इलेक्ट कर रहे हैं वो दे वर्दी ऑफ आर वोट और नॉट. फिर बाद में उनको पिन पॉइंट करके क्या मतलब. अगर टीचर होमवर्क नहीं मांगती है तो बहुत कम लोग होते हैं जो सामने से जाकर होमवर्क बताते हैं. मांगो, बिकॉज यू नॉट ओनली आर पेइंग टैक्स, टैक्स भरना तो एक है ही, लेकिन यू आर ट्रस्टिंग एवरीथिंग इन देयर हैंड्स. तुम्हारा सेफ्टी, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सब सब कुछ उनके हाथ में दे रहे हो तो हिसाब तो मांगना बनता है. जय हिंद.